जो सचिन बालिया के गोली चलाई, ये भारत में यही नहीं, हम हजार सालों के वजह से हम लोगों को हत्या कर रहे हैं, बहुत लोगों को मार दिए हैं। ये सवाल ये सचिन का नहीं है, पूरा देश में दलित का सवाल। ये 17 साल हो गया आवाज मनकाम को इंडिपेंडेंस आके, आजाद आके 17 साल में भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारा लड़की को बलात्कार कर रहा है, हमको गोली मारता है। हम लोग आज तक हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन गोली मारता है, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं केस बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं अपने जो पंडित के पास जाते हैं, पंडित मतलब जजेस, उसके पास जाते हैं, कोई आई विटनेस नहीं है, ये केस नहीं चलेगा। ये 17 साल से यही हो रहा है, पूरा जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारी जजेस उसी के हाथ में आजकल, तो इसलिए वो लोग SC ST एक्ट को भी डाइल्यूट कर दिया। बोले मिस यूज के नाम पे आप लोग पंडित लोग, जो मैं बोल रहा हूँ वकील साहब, ये पंडित आप लोग मिस यूज बोल के आप लोग डाइल्यूट कर दिया हमारा एक्ट को, और ये एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, हमारा सचिन को गोली मार दिया। इसलिए वो लोग जानबूझ के, तो मैं ये सवाल दे रहा हूँ आरएस, कब तक हम लोग केस बनाते रहेंगे, कब तक हम लोग मीटिंग करते रहेंगे, क्या हम लोग एक दिन उससे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ भाई, ब्राह्मण आदमी एक तरफ आ जाओ, हमारा भीम आदमी एक तरफ आ जाएगा, और पुलिस वाले हटाओ, और कौन जीतेगा मोदी और आरएसएस वाले को पता लगेगा, RSS वालों को पता लगे। ये क्या है, हम लोग 70 साल से जितने हजार लोग मर गए छुंदूर में, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में 8 आदमी को टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल के नदी में डाल दिया। हम लोग वहां से बहुत लड़ाई कर रहे, नेशनल इश्यू बन गया। उसके बाद क्या है, वहां जो रेडी लोग जो है कास्ट रेडी, जैसे तापुर है वहां के रेडी लोग, वो लोग सब लोग वही है मार दिया। तो जज का जज बेंच में आ गया, एक दो मेंबर कहते बेंच होता है उसमें रेड्डी है, वो बोलता है ये हमारा रेड्डी नहीं मारा, आप जा सकते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को हॉलीडे देता है वैसे दे दिया, सब लोग चले गए। तो किसको पनिशमेंट दूंगा, और 10% भी SC ST एक्ट के अंदर पनिशमेंट नहीं हो रहा है, और कैसे बोल सकते हैं ये मिस यूज बोल के, ये जानबूझ के हमको मारने के लिए, और ये बीजेपी सरकार ये जानबूझ के कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस भी नहीं लेके आया अभी तक। तो हम लोग कितने साल से ऐसे करेंगे, हमें आप लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, हमें पॉलिटिकल पावर भी चाहिए, पॉलिटिकल पावर के साथ जाना है, विदाउट पॉलिटिकल पावर वी कैनॉट डू एनीथिंग। तो हम लोग को कुछ समस्या बनाते हैं लेकिन पॉलिटिकल में नहीं आते, वो बोलता है हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन नहीं कुछ समझता है पॉलिटिकल नहीं होगा, ऊपर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो भी वो सपोर्ट करना चाहिए। हमें नीड है, इफ वी नीड इमरजेंसी नीड टू हैव ए पॉलिटिकल पावर, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू राइज अवर वॉइस अगेंस्ट दलित एट्रोसिटीज, ये नहीं हो, ये होना चाहिए। कितने साल, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ, बचपन से दलित मूवमेंट के साथ हूँ, के वो मारते हैं, हम लोग जाके केस बनाते हैं, केस बनाने के एक आदमी जाके केस नहीं बना सकते, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, और अपना औरत को लोग बलात्कार करते हैं उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। अरे छोटे बच्चे को भी मार रहे तुम लोग, शर्म नहीं है आपको, मोदी जी शर्म नहीं आपको, तो ये क्यों हो रहा है इस देश को, हमको दलित लोगों को खत्म करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग उसके ऊपर हम लोग अटैक करना है, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई रामलीला मैदान में हम लड़ेंगे, पुलिस वाला मिलिट्री को एक तरह बताओ, और हम आएंगे, चाहे हम माइनॉरिटी हो आप मेजॉरिटी हो,
इस देश में कौन जीतेगा हम लोग बताते हैं आपको। अशोक पाद जी, हम लोग रामलीला मैदान में लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, ये हो रहा है। अरे अपने लोग भी आके जानते हैं, कुछ किसी किसी को गांव में कुछ इंसिडेंट होता है, खुद अपने लोग नहीं आ रहे। अब ये अपना रेपिडेंट नहीं है, हम नहीं जा रहा, पुलिस वाला जाता है तो पुलिस वाला भी डराते हैं वहाँ पे। और उसके लिए एमएलए एमपी से काम वोट हम देते उसको, बोलता है पैसा लेके वोट दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ पैसा क्यों दिया भाई आप लोग, तो ये बोलता है शराब पी के वोट डाल रहे। आपने पिला है शराब, शराब इस शराब पी के शराब बेच के सरकार चल रहे है, शराब बेच के सरकार चला सकते क्या? ये क्या सरकार शराब बेच के चलाने के लिए हम लोग वोट दिया आपको? तो इसलिए हम लोग गरीब गरीब लोग हैं, ये शराब पी के उसका फैमिली भी खत्म हो रही है। आज वो भी कोई नहीं बोलता है तो ये राइट टू ड्रिंक, ये क्या बात है भाई? तो इसलिए आप लोग ध्यान में रहना और हमारे ऊपर अत्याचार और होगा। ये नहीं है आज ये सचिन वाले से ये लोग नहीं गए, 11 आदमी को भारत बंद में गोली मार दिया, अरे अभी सचिन को मार दिया, कल दूसरा को मारेगा। ये हमारे पास बहुत बड़ी सवाल है, तो आप लोग सोच लीजिएगा हम लोग क्या करने पड़े। लोग डीएसएम भी है तो इसके लिए वी हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग अटैक टू दी मनुवादी लोग और आरएसएस बीजेपी। जय।